दोस्तों नमस्कार। एशियाई खेल हों या कॉमनवेल्थ गेम्स, कभी भी ये बीसीसीआई की प्राथमिकता में कभी नहीं रहे, उनकी प्रायोरिटी में कभी नहीं रहे। लेकिन अब अच्छी खबर ये है कि बीसीसीआई अपनी टीम भेजने को तैयार है, पुरुषों की भी महिलाओं की भी। अब जो एशियाई खेलों का आयोजन चीन में होने वाला है सितंबर में, उसमें सितंबर अक्टूबर में, उसमें भारत की दोनों टीमें भाग लेंगी। ये तो खैर खबर भी हो चुकी है पुरानी, लेकिन हम आपको नई खबर ये बता रहे हैं कि बीसीसीआई की जो अभी मीटिंग हुई थी उसमें ये तय किया गया कि जो एशियाई खेल होने हैं उसमें जो वर्ल्ड कप में भाग लेने वाले खिलाड़ी भाग नहीं लेंगे। जी हाँ, वर्ल्ड कप की डेट्स आपस में क्लैश कर रही हैं, क्योंकि 8 अक्टूबर को भारत को अपना पहला मैच खेलना है ऑस्ट्रेलिया से, और 8 अक्टूबर को ही एशियाई खेलों का समापन होगा। 23 सितंबर से 8 अक्टूबर तक चीन में एशियाई खेलों का आयोजन किया जाना है। तो अब ऐसी स्थिति में जो वर्ल्ड कप के खिलाड़ी हैं वो एशियाई खेलों की टीम के सदस्य नहीं होंगे। इसका दूसरे शब्दों में इसका मतलब यही निकलता है कि आपको एशियाई खेलों के मैदान में रोहित शर्मा, विराट कोहली के जलवे देखने को नहीं मिलेंगे, और ना ही हार्दिक पांड्या होंगे, शुभमन गिल होंगे, जडेजा होंगे, ना ही केएल राहुल होंगे, और ना ही शमी, सिराज और ये सारे खिलाड़ी जो वर्ल्ड कप में खेलने जा रहे हैं, जिनका चयन करीब करीब पक्का है, वो एशियाई खेलों में नहीं होंगे। तो ये एक बड़ी खबर है। और दूसरा, अब जाहिर सी बात है कि ऐसे समय में शिखर धवन, जो वनडे के विशेषज्ञ बल्लेबाज माने जाते हैं, उनको कप्तानी दी जा सकती है। वैसे भी श्रीलंका दौरे पर वो कप्तानी कर चुके हैं, पहले भी कप्तानी की बागडोर संभालते रहे हैं। रिंकू सिंह, जो कि स्कीम ऑफ थिंग्स में वर्ल्ड कप की नहीं है, ऋतुराज गायकवाड़, यशस्वी जायसवाल, इन सब खिलाड़ियों को एशियाई खेलों में मौका जो है दिया जा सकता है। करीब करीब तय है इन खिलाड़ियों का चयन। और इसके अलावा महिलाओं की जो फुल फ्लैच टीम है, फुल स्ट्रेंथ टीम, वो इसमें इस बार शिरकत करती हुई दिखाई देगी। वैसे आपको याद दिला दूं, मैं कॉमनवेल्थ गेम्स में आपने भारत की फुल फ्लैच टीम को खेलते हुए जरूर देखा होगा, जब भारतीय टीम सिल्वर मेडल जीतने में कामयाब रही थी। वैसे 2010 और 2014 में एशियाई खेलों में क्रिकेट शामिल किया गया था, लेकिन भारत की कोई भी टीम इसमें शिरकत नहीं कर पाई थी, और 2018 में क्रिकेट को हटा दिया गया। लेकिन अब एक बार फिर से क्रिकेट की वापसी हुई है एशियाई खेलों में, और अच्छी बात यह है, राहत की बात यह है क्रिकेट प्रेमियों के लिए कि भारत स्वर्ण पदक का प्रबल दावेदार रहेगा जहाँ तक प्रदर्शन का सवाल है। और यहाँ पर अब अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, पाकिस्तान है, ये कुछ मुल्क हैं जिनसे भारत को कड़ी टक्कर मिल सकती है, खासकर पुरुषों के वर्ग में। आप क्या सोचते हैं कि ये बीसीसीआई का कितना सही कदम है, कितना प्रैक्टिकल कदम है, और जो युवा खिलाड़ी ज़्यादा से ज़्यादा उनको मौका मिलेगा, देश को रिप्रेजेंट करने का मौका मिलेगा, कितना स्वागत योग्य इसे कहा जा सकता है? अपनी राय इस बारे में ज़रूर दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।